पोर्चुलका के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पोर्चुलका में कुछ ज़रूरी काम यदि फरवरी में हम कर लेते हैं तो आने वाले 28 से 30 दिनों में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। देखिए, मैंने तो अपने पोर्चुलका के प्लांट को रेडी करना शुरू कर दिया है। इसमें नए शूट्स भी आने लगे हैं, बहुत जल्दी इसमें कलियाँ बनने लगेंगी। पोर्चुलका एक ऐसा पौधा है जो अपनी जड़ों का और स्टेम का एक्सपेंशन है, विस्तार है, बहुत जल्दी कर लेता है। पोर्चुलका के फूलों के साथ क्या ज़रूरी काम है जो आपको करना होगा, आज के वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। पोर्चुलका को कई नामों से जाना जाता है, आपके यहाँ हो सकता है कोई और नाम, जैसे दस बजिया, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें दो वेराइटी आती है, एक पिंक कलर वाली वेराइटी होती है और एक हाइब्रिड वेराइटी होती है। हाइब्रिड को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये पिंक कलर वाली और मरून वाली जो वेराइटी होती है, इसे बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर के पोर्चुलका के पौधे हैं। यदि आपके पास भी ये पौधा है तो इसी तरीके से पहले आप चेक कर लीजिए, यानी खुरच के देख लीजिए, यदि अंदर से ग्रीन पार्ट निकल रहा है या तोड़ के देख लीजिए ग्रीन पार्ट है, तो मतलब इन फूलों को रोपने से बहुत जल्दी इसमें बर्ड्स अब भी आएंगे और बहुत जल्दी ये पौधा ग्रो भी हो जाएगा। इस पोर्चुलका को मैंने ऐसे ही एक बड़े से चमेली के पेड़ के नीचे रख दिया था और देखिए अब इसमें नए शूट्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पोर्चुलका एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ मॉइस्चर लेकर के ही अपनी न्यू शूट्स अपने सीज़न में निकालने लगता है। अगली बार से यदि आप पोर्चुलका के प्लांट को सेव करना चाहते हैं तो बस आपको ये करना है कि बड़े प्लांट के नीचे लगा कर छोड़ देना है और ये प्लांट बहुत अच्छे से सेव हो जाता है। पोर्चुलका एक ऐसा पौधा है जिसे पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है। यदि 2-3 महीने भी आप इसे पानी नहीं देंगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ ये पौधा मरेगा नहीं, एक सकलेंट टाइप का प्लांट होता है। अब आपको क्या करना है, अपने पुराने पोर्चुलका के प्लांट को रेडी करने के लिए पहले आप जो खरपतवार उसमें आ गए हैं उन्हें निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए 2-3 सिचुएशन हो सकती है, या तो आप पुराने पॉट में ही रीग्रो करना चाहते हैं या फिर आप पॉट की मिट्टी चेंज करके फिर से आप रीपॉट करना चाहते हैं। ये मेरे पुराने पोर्चुलका का प्लांट है, हैंगिंग बास्केट के लिए आपको पता ही है वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होता है। मैंने चेक कर लिया, ये सारे अंदर से स्टेम ग्रीन है, मतलब इन्हें मैं लगा सकती हूँ। और ये सिचुएशन यदि आपके भी पोर्चुलका के साथ टैली हो रहा है तो आप क्या कीजिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले बोला कि इसकी जड़ों का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे पहले आप जड़ों को खोल करके उस मिट्टी को निकाल लीजिए। मिट्टी को निकालने के बाद यदि आप चाहें तो स्टेम की और रूट की प्रूनिंग करके वापस उस पौधे को आप लगा सकते हैं, या फिर तोड़ करके यदि 1 इंच का पौधा भी आप लगाएंगे तो वह बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। देखिए, ये जो मेरा पौधा है इसकी मिट्टी देखिए कितनी कॉम्पैक्ट हो गई, क्योंकि 2 महीने से मैंने सिर्फ इसे साइड में रख दिया था, मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला है। यदि आपके साथ भी ऐसा है, गमले में पुराने पोर्चुलका का प्लांट पड़ा हुआ है, तो उसे कुछ इस तरीके से निकाल करके आप नीचे से जड़ों को थोड़ा प्रून कर दीजिए और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, पौधा मरेगा नहीं। ये पौधा मरता नहीं है अनटिल और अनलेस आप ओवर वाटरिंग ना करें। अब इसके लिए पहले आप एक अच्छी सी मिट्टी तैयार कर लें, जिसमें कोकोपीट 10% ज़रूर मिला लेना यदि है आपके पास, नहीं है तो मिलाने का मकसद सिर्फ ये है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, तो आप वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और रेती मिला सकते हैं। मिलाने के बाद एक अच्छा सा कंपोस्ट यानी 20 और 40-40 के रेशियो में मिला लीजिए, जैसे 40 गार्डन सॉइल हो गया, 40 हो गया रेती और 20% सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिला करके एक अच्छा सा पॉटिंग सॉइल तैयार कर दीजिए। देखिए, मेरे पुराने पोर्चुलका का प्लांट है और यदि आप चाहते हैं कि सेम प्लांट में रीग्रो हो तो साइड से थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करने से जड़ों तक सांस मिलने लगे। देखिए, इस चमेली के पेड़ के नीचे मैंने इसे लगा दिया था, ये इतनी जल्दी फैलता है कि मैंने सिर्फ रख दिया था और देखिए इसकी जड़ें बन गई हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत जल्दी मिलीबग्स का अटैक होता है। देखिए, ये उजला जो मिलीबग दिख रहा है, तो जब आप पोर्चुलका लगा लेंगे तो पूरे सीज़न आप ये बात याद रखना कि 15 से 20 दिनों पर एक अच्छे से होममेड पेस्टिसाइड का या फिर आप साफ वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका स्प्रे ज़रूर आपको करना पड़ेगा, वरना ये एक रीज़न है जो आपके पोर्चुलका को मार देता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, इतनी छोटी सी कटिंग लेकर के यदि हम मिट्टी में लगा देंगे तब भी ये ग्रो हो जाएगा, मतलब कहीं से आप कटिंग लाना चाहते हैं, कटिंग के थ्रू प्लांट
ग्रो करना चाहते हैं, तो बस इतनी छोटी सी कटिंग भी आप ले लेकर आएंगे और इसे लगा देंगे तो 4-5 दिनों में ही इसकी जड़ें नीचे से बनने लगेंगी। यानी कटिंग से ग्रो होने में यह प्लांट सबसे आगे है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। ये प्लांट तो आपके घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसे फुल सनलाइट में रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अब पुराने प्लांट से 1-1 इंच 2-2 इंच की कटिंग लेकर के आपको जिस गमले में लगाना है वहाँ लगाइए। शैलो पॉट का चुनाव कीजिए, 4-5 इंच से बड़े कंटेनर का चुनाव मत कीजिए। खाद भी इसे महीने में एक बार ही देना है। देखिए इसके स्टेम की प्रूनिंग कर दी है मैंने और इसे इस तरीके से साइड में लगा देंगे। इसे स्प्रे पसंद है, यदि आप अभी शुरुआती दौर पर स्प्रे करेंगे, मैं बता रही हूँ आगे किस चीज़ से स्प्रे करना है, तो ये पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल मतलब राइट टाइम है, ग्रोइंग पीरियड है। अब इस तरीके से देखिए पौधे को आपको चेक करना है, मैं 3-4 बार बता रही हूँ इसलिए कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस तरीके से चेक करके 1-1, 2-2 इंच आप कटिंग करके लगा लीजिए। अब यह है चाय पत्ती, चाय पत्ती कोई भी आप ले सकते हैं। 5 इंच के कंटेनर के लिए आपको 1 चम्मच छोटे चम्मच से चाय पत्ती लेना है, या तो आप डायरेक्टली मिट्टी में डाल दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए, या फिर आप पानी में, पानी जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत है ले लीजिए, पानी में मिलाकर 3-4 घंटे छोड़ दीजिए और फिर इसी पानी से आप वाटरिंग कर दीजिए। फिर 15-20 दिनों के बाद ही ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है चायपत्ती वाला। चायपत्ती में जो मौजूद नाइट्रोजन होता है ये आपके पौधों को ग्रो होने में, लश ग्रीन पत्तियों को लेने में बहुत हद तक मदद करता है। और ये बिल्कुल घरेलू टिप है जो आप अपने सभी प्लांट को जिन्हें आप ग्रो करना चाहते हैं, मनी प्लांट वगैरह को भी इससे दे सकते हैं। ऐसे मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना है, यदि आप DAP का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास DAP है, बहुत ऑप्शनल है, यदि आप इस्तेमाल करते हैं आपके पास है तभी यूज़ कीजिए। DAP के कुछ दाने, 3-4 दाने आप इसमें दे दीजिए, ये महीने में एक बार रिपीट करना है। इससे क्या होगा, जड़ें बहुत जल्दी बन जाएंगी। DAP को शुरुआती दौर में जब हम दे देते हैं, इनिशियल स्टेज पर जब पौधे लगा रहे हैं, तो DAP पौधों की मजबूती को बनाए रखने में मदद करता है और पौधे जल्दी ग्रो हो जाते हैं। DAP बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, ये कोई कॉस्टली फर्टिलाइज़र नहीं है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यदि DAP आपके पास नहीं है तो बहुत सारे मैंने बता रखे हैं होममेड फर्टिलाइज़र, उनमें से किसी एक से आप स्प्रे किया करें, उससे भी आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रो होगा। यदि ये कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ इसे सनलाइट में रख दीजिए और सिर्फ 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप हर एक 15-20 दिनों पे, या कोई भी प्रकार का कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट आप दिया कीजिए, ये बहुत आसानी से फ्लावरिंग शुरू कर देगा 28-30 दिनों में। अब आपको क्या करना है, यदि आप एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बताऊंगी कि यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जो पौधों को स्टेबल होने में, ग्रो होने में मदद करता है। देखिए आप इसे वाटरिंग कम कीजिएगा और इस तरीके से स्प्रे ज़्यादा कीजिएगा। आप चाय पत्ती वाले पानी को छान करके उससे भी स्प्रे कर सकते हैं 3-4 दिनों पर, या फिर आप ये कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भिगा दीजिए और फिर उसे आप, बहुत जल्दी सॉल्यूबल होता है ये पानी में, बहुत जल्दी घुल जाता है, और उससे आप स्प्रे किया करें हर एक वीक। इससे भी आपका पौधा जो है लश ग्रीन पत्तियों को लेकर आएगा, अच्छा स्वस्थ पौधा निकलेगा और जो फूलों का साइज़ होगा वह बड़ा बड़ा होगा और पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।